जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको डचों के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर अकेडमी XYZ से, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ सभी चीज़ें गजब लाजवाब तरीके से देखने को मिलती हैं, वो भी फ्री में। आपसे एक भी रुपए नहीं लिया जाता है। बड़ी बात तो यह है और सोने पे सुहागा की बात तो यह है विद्यार्थियों, कि आप जिस दिन एग्जाम की सीट पर बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, तो प्रत्येक क्वेश्चन फ्यूचर एकेडमी XYZ से ही आपको देखने को मिल रहे होंगे, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मत कहिए अपने मन से कि नहीं हम कल पढ़ लेंगे, और सोचते हो कि नहीं परसों हो जाएगा, शाम को पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, कहते हैं कि काल करें सो आज और आज करें सो अब। यानी आप जब कल की सोच रहे हैं तो कल की ना सोचकर आज से और अभी से प्रारंभ करने का प्रयास करें, वाकई में वो चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि आप अपने खुद पढ़ाई से दंग रह जाएंगे कि शायद मैं इतना भी अच्छा पढ़ सकता था। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ी सी रेगुलरिटी मेंटेन रखना पड़ेगा और आपको डेली क्लास को लेना पड़ेगा। बहुत जानदार शानदार तरीके से आपको यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलता है। तो चलते हैं बहुत जानदार शानदार सी क्लास की ओर। आज हम प्रमुख रूप से बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। कल हमने प्रमुख रूप से बात करी थी डचों के बारे में, कि क्या कारण थे कि डचों का पतन हो गया, और कहीं ना कहीं आपको बता दें अंग्रेज की तरफ से क्लाइव तथा डचों की तरफ से मीर जाफर का जब युद्ध हुआ तो इसमें मीर जाफर हार गए, अर्थात डच हार गए, जिस कारण अब विजय जो हुई है वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई है। और अब हम प्रमुख रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे। आरंभ से लेके अंत तक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंट्री कंपनी का जो दबदबा है वो बना देखने को आपको देखने को मिलेगा। अब सोचिए, एक कंपनी ने पूरे भारत को गुलाम बना लिया, एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम आपसे कहें कि मान लो एक टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ही तो है, वो कंपनी वो किसी देश को कब्जा कर ले, किसी देश को अपने अधीन कर ले, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि विदेश से आई कोई कंपनी भारत को अपना गुलाम बना लेती है। कहीं ना कहीं भारत के जो दावेदार है इतने कमजोर थे कि बाहर के लोगों से हार गए। प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे आज हम इस पर, और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है, बहुत गजब सी। अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 217 लोगों से मिलकर बनी थी, ये यूरोप में इसकी स्थापना हुई 217 लोगों से मिलकर। 217 लोगों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की, जिसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। अभी जो स्थापना हो रही है वो यूरोप में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? वो अभी यूरोप में हो रही है। एग्जामिनर आपसे घुमाकर क्वेश्चन करता है कि जब यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में किसका शासन था? तो बहुत जानदार शानदार तरीके से आप टिक करना कि वो जो शासन था वो था अकबर का। किसका शासन था? अकबर का। अकबर ना देखे तो मुगल शासन कह सकते हैं, मुगल शासकों का कह सकते हैं। ये दोनों में से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्रमुख रूप से अकबर ही आपसे पूछा जाएगा और आपके ऑप्शन में भी ये रहेगा, ठीक है? इस चीज़ पर आपको विशेष फोकस करना है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है कि 217 लोगों ने मिलकर यूरोप में एक कंपनी की स्थापना की, और जब यूरोप में इस कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर अकबर राज कर रहा था। अभी ये यूरोप में हुई है कंपनी की स्थापना, अभी भारत में नहीं हुई, अभी ये यूरोप की बात कर रहे, और भारत में हम देखेंगे किसका शासन था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अभी ये यूरोप की बात है, अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 217 लोगों से मिलकर जो हुई है वो यूरोप में हुई है, तब जो शासन था भारत में तब वो अकबर का था। ठीक, क्लियर इतनी बात? जब भारत में इस कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में जो था वो जहांगीर का शासन था। किसका शासन था विद्यार्थियों? जहांगीर का शासन था। तो एग्जामिनर आपसे यहां पर फिर से घुमाकर पूछेगा कि बताओ बहकाला बताओ, या फिर ये पूछ लेगा कि बताइए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब भारत में हुई थी तब उस समय, आपको बता दें
भारत पर कौन शासन कर रहा था? तो भारत पर जहांगीर जी शासन कर रहे थे। कौन कर रहा था? जहांगीर का शासन था। अगर हम बात करें आगे प्रमुख रूप से, तो यूरोप में इस कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। कब हुई थी? 1600 में हुई थी, यूरोप में हुई थी 1600 में, जिसके जस्ट 8 साल पर, अगर बात करें 7 साल के बाद, तो 1608 में इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री है वो अस्थाई रूप से सूरत में खोलने का कार्य किया। सूरत में अस्थाई क्यों? देखो जो है ना, आपको बता दें, अभी जो जहांगीर वगैरह जो मुगल शासक थे, उन्होंने इनको व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी। आपको बता दें, एक बहुत बड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि अस्थाई फैक्ट्री भी खोलने की जो इजाज़त है वो जहांगीर के द्वारा किस प्रकार दी गई। एक बार जहांगीर की जो बेटा जो लड़की थी, आपको बता दें जहांगीर का जो बच्चा था वो वह बीमार हो गया, जिस कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस कारण अब उसको इस परिस्थिति पर आ गया था कि अब शायद उसकी जो बीमारी है वो सही ना हो पाए। लेकिन विदेश से आने वाला एक डॉक्टर, यानी यूरोप से आने वाला एक डॉक्टर, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डॉक्टर था, उसने उसके बच्चे को सही करने का कार्य किया। जहांगीर ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थाई रूप से जो फैक्ट्री है वो सबसे पहले 1608 में सूरत में खोलने का कार्य किया। 1608 ईस्वी में सूरत में एक अस्थाई फैक्ट्री खोली। तो एग्जामिनर आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन करेगा कि बताओ, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर खोली गई थी? तो 1608 ईस्वी में सूरत में खोली गई थी, वो भी एक अस्थाई फैक्ट्री थी, यानी एक स्थाई फैक्ट्री अभी नहीं खुली थी। ये प्रमुख कारण था। प्रमुख रूप से आगे हम बात करेंगे, अभी तो ये टैक्स देने का कार्य कर रहे हैं, कुछ समय के बाद ये टैक्स वसूलने का कार्य करेंगे और किस प्रकार भारत जो है ना अंग्रेज़ों की गिरफ्त में चला जाएगा, ये आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से, यह जो फैक्ट्री है वो अस्थाई थी, क्योंकि मुगलों ने इनको क्या दिया था, उन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी, इसीलिए एक अस्थाई फैक्ट्री खोल ली। जैसे कि मान लो हम हैं, हमें व्यापार करना है, तो हम एक दुकान को क्या ले लेंगे, किराए पर ले लेंगे, तो भी एक अस्थाई है, अभी हमारी खुद की नहीं है, वो एक अस्थाई है। इसी प्रकार उन्होंने भी इसी प्रकार का कार्य किया। तो अस्थाई जो फैक्ट्री की बात करें वो सूरत में, आपको बता दें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में खोली गई, वो भी अस्थाई 1608 में। यह फैक्ट्री अस्थाई इसलिए थी क्योंकि मुगलों ने इन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी। ये तो बात कर चुके। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें 1611 ईस्वी की, तो 1611 में एक और फैक्ट्री मूसलीपट्टनम, यानी आंध्र प्रदेश में खोली गई। एक और फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई? कहना सर, मूसलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, जो कि स्थित है। एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन करेगा कि बताओ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री, या फिर लिख दे कि बताओ मूसलीपट्टनम की जो फैक्ट्री है वो कब खोली थी? तो आपको पता होना चाहिए कि 1611 में एक फैक्ट्री और खोली थी, जो कि मूसलीपट्टनम में, यानी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। फिर यहाँ से फिर क्वेश्चन करेगा वो कहेगा कि बताओ 1613 में सूरत में एक स्थाई फैक्ट्री भी खोली गई। अब यहाँ से बहुत गजब का क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से बहुत लाजवाब और गजब तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या कहेगा एग्जामिनर कि बताओ वह कौन सी फैक्ट्री है जो स्थाई रूप से लगाई गई, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्थाई फैक्ट्री का अगर वो पूछे, तो पहली स्थाई फैक्ट्री वो भी सूरत ही में ही है, लेकिन वो सन पूछेगा, आपसे जगह नहीं पूछेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो पहली स्थाई फैक्ट्री है वो प्रमुख रूप से 1613 ईस्वी में सूरत में खोली गई। 1613 में स्थाई फैक्ट्री खोली गई। अगर हम आगे बात करें प्रमुख रूप से, तो 1633 में बालसोर उड़ीसा में भी एक फैक्ट्री खोली, जो एक स्थापित कंपनी की स्थापना की। ठीक है, 1639 में मद्रास में एक फैक्ट्री लगाई, जो कि पहला
किला था, जो क्या था, पहले किला था और उसके बाद इसका नाम फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज रख गया था। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा विद्यार्थियों, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर वो पूछेगा कि बताओ वह कौन सी जगह है जहाँ पर पहले किला था फिर अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री खोली, तो वो जगह है मद्रास, और मद्रास में किले की जगह पर उन्होंने फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज की स्थापना की, फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज की स्थापना की, और यह है जो मद्रास में है ये 1639 में करने का कार्य किया। अगर हम सीधी और सिंपल भाषा में प्रमुख रूप से बात करें तो 1639 में मद्रास में एक फैक्ट्री लगाई जो कि पहले एक किला था, क्या था, पहले जो किला था, फिर उसके स्थान पर उसका नाम जो है फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज रखने वाला था, फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज रखने वाला था। अभी जो फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज है ना, यही गले की फांसी बनने का कार्य करेगा। किस प्रकार की चीज़ें होंगी फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज के साथ, आप इसकी कहानी सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज की, जो कि हम आपको आगे की जो क्लासें होंगी उसमें प्रमुख रूप से आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी कार्य करेंगे। अगर आगे बात करें 1651 ईस्वी में, तो 1651 में बंगाल में कासिम बाजार में एक कंपनी लगाई, कासिम बाजार में एक कंपनी लगाई, ठीक है, 1551 में कासिम बाजार में एक कंपनी लगाई। आप क्वेश्चन करेगा प्रमुख रूप से जगह ऑप्शन से करेगा कि बताओ बंगाल में कासिम बाजार की फैक्ट्री कब लगाई गई, तो आपको पता होना चाहिए 1651 में, ठीक है। अगर वो पूछे मद्रास की जो फैक्ट्री है वो कब लगाई गई, कहना सर 1639 में। अगर वो पूछे कि बताओ सर बालासोर की जो कंपनी है वो कब लगाई गई, कहना सर 1633 में। अगर वो पूछे कि बताओ सूरत में स्थाई फैक्ट्री कब लगाई गई, कहना सर 1613 में। इसके अलावा वो पूछे कि बताओ मूसलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में कब फैक्ट्री लगाई गई, तो कहना सर 1611 ईस्वी में। तो इस प्रकार यहाँ से आपको प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आप यहीं से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये 4 से 5 लाइनें जो हैं वो आने का कार्य करेंगी। अच्छा, अगर आपको इनका क्रम नहीं पता है ना, तो इसकी ट्रिक भी हमने आपको लिखवा दी है, तो आप जाएंगे तो ट्रिक भी डली हुई है, तो ट्रिकों से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो आपको बता दें कलकत्ता शहर की स्थापना, पहले कलकत्ता होता ही नहीं था, प्रमुख रूप से कलकत्ता शहर की जो स्थापना है 3 गांव से मिलकर हुई थी। पहले की अगर बात करें तो बता सुता नती, दूसरा जो था कोलकाता और तीसरा था आपका गोविंदपुर। ये 3 गांव से मिलकर कोलकाता का निर्माण होने का कार्य किया। जो कोलकाता है ना वो 3 गांव से मिलकर बना है। पहले गांव की अगर बात करें तो सुता नती, दूसरे गांव की अगर बात करें तो कोलकाता, और तीसरे गांव की अगर बात करें तो गोविंदपुर। इन तीनों को मिलाकर एक शहर की स्थापना की गई जिसको बोलते हैं हम कलकत्ता। और ये किसने की, ये की जॉब चार्क ने कोलकाता शहर की स्थापना करने का कार्य किया था। इतनी बात पहले तो बताइए, आप लोगों को समझ में आ गई? अभी बताओ, अभी कोई समस्या तो नहीं है, अभी यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फुल एनर्जी रहिए, क्योंकि देखो प्रयास रहता है कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीज़ों पर समझा सकें, ठीक है। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई कि कलकत्ता शहर की जो स्थापना है वो जॉब चॉर्क ने की थी और ये 3 गांव से मिलकर बना है। पहले गांव की अगर बात करें तो सुतानती, दूसरे को कोलकाता और तीसरे को गोविंदपुर के नाम से जानते हैं। इन्होंने कलकत्ता में एक किला भी बनवाया, जिसे हम फोर्ट विलियम कहते हैं, और ये फोर्ट विलियम की जब आप कहानी सुनेंगे तो इसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी खास है। अभी कलकत्ता ही में इनका दबदबा यहाँ से प्रारंभ होने वाला है। ये अपनी, आपको बता दें, सारी जो रणनीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से मैनेज करेंगे, और इतने जानदार शानदार तरीके से इनकी नीतियाँ होती हैं कि पूरे भारत को ही अपना गुलाम बनाने का कार्य करेंगे इतनी गजब तरीके से। क्योंकि हम आपको बार बार कहते हैं, हर क्लास में कहते हैं कि जो अंग्रेज थे वो कहीं ना कहीं बहुत दिमागदार व्यक्ति हुआ करते थे, उतना दिमाग लगाते थे बहुत ज़्यादा, ये लोगों से लोगों को लड़ाने का कार्य करते थे। ये तो इनका सीधा सीधा उसूल ही था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुल मिला के जो फ़ायदा है वो हमारा ही होना चाहिए। इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो प्रमुख रूप से अपने फ़ायदे के लिए किए हैं।
ना कि भारत के वासियों के लिए। क्या आपको पता नहीं है कि सबसे एलोप्लेन जो सबसे पहला है, जिसको हम राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, राइट ब्रदर्स ने नहीं बल्कि एक इंडियन ने बनाया था, जो कि आज विलुप्त हो गया है। और कहीं ना कहीं इस विलुप्ति का जो कारण है वो हमारी गुलामी होती है। बहुत बड़ा कारण है कि हमारी गुलामी है, और इसी के कारण हम उसको पेटेंट ना करा सके। और आपको बता दें, उसके बाद जो अंग्रेज़ राइट ब्रदर्स के नाम से जिनको हम जानते हैं, उन्होंने एलोप्लेन का आविष्कार करने का कार्य किया, और फिर हम उन्हीं को जानते हैं। आज कोई इंडिया ये एक कोई भी इंडियन यह नहीं जानता होगा कि वह व्यक्ति है जिसने एलोप्लेन का बेहतरीन तरीके से निर्माण किया था, और सबसे पहले एलोप्लेन को उड़ाने वाला व्यक्ति भी वही था जो कि एक इंडियन था। ठीक है ना, ऐसे एक एक आविष्कार नहीं है, ऐसे बहुत सारे आविष्कार हैं। जहाँ पर अंग्रेज आविष्कार कर रहे थे, वहीं पर भारत गुलामियों की जंजीर से जकड़ा हुआ था, और भारत की परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं बिगड़ने वाली थीं और विकट परिस्थिति उत्पन्न होने वाली थी। अगर हम आगे बात करें प्रमुख रूप से, तो ये इन्होंने मद्रास में एक किला बनवाया जिसे सेंट जॉर्ज कहते हैं, जिसे सेंट जॉर्ज कहते हैं। देखो, अगर वो कहे कलकत्ता के किले को क्या बोला है, कलकत्ता में बनाया फोर्ट विलियम, ठीक है, कलकत्ता में बनवाया इन्होंने फोर्ट विलियम, इसके अलावा मद्रास में इन्होंने बनवाया सेंट जॉर्ज, और इसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर इसके अलावा मद्रास में सेंट जॉर्ज, वो एक ही बात है, ठीक है ना, मद्रास में फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज, ठीक है, मद्रास में एक किला बनवाया सेंट जॉर्ज के नाम से, सेंट जॉर्ज था, और इसके अलावा कलकत्ता में बनवाया फोर्ट विलियम के नाम से, दो किले, ठीक है। आगे बात करें हम प्रमुख रूप से, तो सेल्फिज ने लिवेंट कंपनी की स्थापना की, सेल्फिज ने लिवेंट कंपनी की स्थापना की। इन्होंने कहा नहीं, हम भी अपना दबदबा बनाएंगे, परंतु ये सर्वाइव ना कर सके, और स्थापना करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सारा सब कुछ बेच दिया, और बेचने के बाद यहाँ से छोड़कर निकल गए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी से जोड़ दिया, यानी सब कुछ बेचा इन लोगों ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, और फिर अपना पैसा वैसा लेके आराम से निकल लिए। कौन थे ये, कहना सर जो थे वो, उनका नाम था सेल्फ फ्रिंच ने लेवेंट कंपनी की स्थापना, किसकी, लेवेंट कंपनी की स्थापना की, पूछ लेता है कभी कभी कि बताओ सेल्फ फिंच ने किस कंपनी की स्थापना की, तो लेवेंट कंपनी की स्थापना की, और यह कंपनी जो है ज़्यादा दिन तक सर्वाइव ना कर सकी, अपना सारा जो जितना भी व्यापार इन्होंने जमाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा, बेचने के बाद ये निकल लिए, निकल इधर अपनी दाल ना गलने वाली, ठीक। आगे बात करें, किसके समय में कौन आया था प्रमुख रूप से, ये बहुत बार पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मुगल शासक हैं, मुगल शासक बस ब्रिटिश यात्री, तो आपको बता दें बाबर के समय में कोई भी ब्रिटिश यात्री नहीं आया था, जबकि हुमायूं के शासनकाल में तो आया था, जिसका नाम था रॉल्फ फ्रिंच, जिसका नाम क्या था, कहना सर रॉल्फ फिंच। ये प्रमुख रूप से वन लाइनर के रूप में आपसे एक आध क्वेश्चन कर ही लेता है यहाँ से, ठीक। अब आप बताइए हमें प्रमुख रूप से कि आपको इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि प्रयास जो था वो कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब करने का मेरा प्रयास था, कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बता सकूं, ठीक। इतनी बात क्लियर, तो चलते हैं जानदार से शानदार से रिवीजन की ओर, क्योंकि जीवन में अगर रिवीजन नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं परंतु रिवीजन नहीं करते हैं सभी, और आपको अपना एक प्लस पॉइंट बनाना है कि आपको जो हम पढ़ाएं उसको रिवीजन कर लेना है। गारंटी देते हैं 6 मंथ के अंदर अंदर में आप जीके के बेताज बादशाह कहलाने का कार्य करेंगे, और आपको बता देना इतनी बढ़िया आपकी जीके हो जाएगी कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि हम जीके से इतना डरते थे और आज इतनी सब सिंपल हो गई है। भैया ये सारा रिवीजन का कमाल होता है, तो चलते हैं रिवीजन की ओर प्रमुख रूप से। अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो यह 217 लोगों से मिलकर यूरोप में बनाई गई एक कंपनी थी। इस समय भारत में जो शासन था वो अकबर का था, और जब भारत में इस कंपनी की स्थापना 1600 में हुई तब यहाँ पर जो शासन कर रहा था वो कहीं ना कहीं जहांगीर का शासन हुआ करता था, ठीक है। इस कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, यूरोप में हुई थी 1600 में, ठीक। और भारत में जब हुई तो यहाँ पर जो शासक था वो कौन कर रहा था, जहांगीर इस पर शासन कर रहा था। 1608 में इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में खोली। यह फैक्ट्री अस्थायी इसलिए थी क्योंकि मुगलों ने इन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी। 1611 ईस्वी में एक और फैक्ट्री खोली गई जो कि मुसलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में खोली गई,
ठीक है। इसके बाद फिर खोली गई एक फैक्ट्री 1613 में, जो कि सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री के नाम से हम जानते हैं। फिर 1633 में बालासोर उड़ीसा में इस कंपनी को हम जानते हैं। इसके अलावा 1639 में मद्रास में एक फैक्ट्री खोली गई, जो कि पहले किला हुआ करता था, फिर इसका नाम फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज के नाम से हम जानते हैं अब इसको। इसके अलावा 1651 ईस्वी में, आपको बता दें, बंगाल बंगाल के कासिम बाजार में एक कंपनी खोली गई, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से कलकत्ता की, तो कलकत्ता की अगर हम बात करें, ठीक है विद्यार्थियों, इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें कलकत्ता शहर की स्थापना, तो कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चार्नक ने की थी। ये तीन गांव से मिलकर बना एक शहर था, जिसका नाम बता दें सुतानती, दूसरा गांव था आपका कोलिकाता, तीसरा था गोविंदपुर, ठीक। ये प्रमुख रूप से तीन गांव थे। इन्होंने मद्रास में एक ऐसे एक किला बनवाया जिसे सेंट जॉर्ज कहते हैं, ठीक है, और कलकत्ता में एक किला बनवाया था जिसको क्या बोलते हैं, फोर्ट विलियम बोलते हैं, फोर्ट विलियम बोलते हैं। सेल्फ्रिंच ने लिवेंट कंपनी की स्थापना की थी, और इसको बीच बाच के ये निकल लिए थे। इसके बाद इनके समय में कौन कौन आया था, मुगल की अगर बात करें, मुगलों में बाबर के में कोई नहीं आया, हुमायूं के में आया था जिसका नाम था रॉल्फ फ्रिंच, ठीक है। बाकी की जो बातें हैं, जो बारीकी की चर्चा है, वो प्रमुख रूप से हम कल करने का कार्य करेंगे, और मेरा आशा है कि मैंने जिस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, आपके दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा, और छपना भी ज़रूरी है। यदि आप मन से पढ़ रहे हैं, तो इस बात की गारंटी है कि कहीं पर कोई भी चीज़ आपके दिमाग से बाहर जा ही नहीं सकती है। बस जानदार शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है, और डेली रिवीजन पर विशेष फोकस करें भैया। इस पर हम बार बार क्यों कहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। तो डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन में विशेष फोकस करें, और रेगुलरिटी बना के रखें, और जो जहाँ पर फालतू जगह भटक रहे हैं ना आपके यार दोस्त और चाहने वाले, सबको बुला लो कि नहीं सर बहुत जानदार शानदार क्लास ले रहे हैं फ्यूचर अकेडमी XYZ से, पढ़ो बहुत गजब तरीके से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इस बात की मुझे बिल्कुल विश्वास भी है, और मैं खुद कहता हूँ इस बात को कि हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक। तो जो विद्यार्थी नए हैं, वो जल्दी से क्या करना है उनको, आपको तो खुद ही पता है, हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि जो पुराने होंगे ना वो पहले ही कर लिया होगा, उनसे हमें कहने की आवश्यकता पड़ती नहीं। और पूरी क्लास में हम कभी नहीं कहते आपसे कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यानी मैम ये फालतू की बात नहीं करते हम, ठीक है ना। आपको खुद बताए कि सर का नेचर्स कैसा है, सीधा आखिरी में जब वीडियो समाप्त होती है तभी हम आपसे कहते हैं। तो जो विद्यार्थी नए हैं, वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब, लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा, जीवन में आनंदित रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।